मऊ के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के वलीदपुर गांव में रसोई गैस का सिलेंडर फटने के चलते दो मंजिला मकान ध्वस्त हो गया और इस भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं या आशंका जाहिर की गई है। हादसे में 12 घायल बताए जाते हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल में लगातार जारी है। जानकारी पर पहुंची पुलिस और फायर फाइटर की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसे में 15 घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इलाज के दौरान 3 अन्य लोगों की भी मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मकान में करीब 2 दर्जन लोग मौजूद थे। फिलहाल राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। घटना सुबह 7:30 बजे की बताई जाती है। फिलहाल जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाने का काम भी लगातार जारी। मौके पर एम्बुलेंस भी मौजूद है ताकि घायलों को जल्द से जल्द जिला चिकित्सालय पहुंचाया जा सके। तो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस दिखा रहा है। भीषण हादसा है, गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। 10 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बताया जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है।